हमारे बीच में जिसका हमें इंतजार था, हम अपने को देश का नेता कैसा हो, किसानों का नेता से राष्ट्रीय लोकदल, देश का नेता कैसा हो, किसान मेरा तमाम खड़े इधर साथियों से निवेदन है कि वो मंच के इधर आ जाइए, डी में आ जाइए प्लीज। आप सब लोग साथियों से निवेदन है डी में आ जाइए, सभी साथी डी में आ जाइए, उधर निकल जाइए, आइए आगे जाएगा। लेकिन क्या हुआ, आज दुनिया कह रही है कि इंडिया तो बांग्लादेश से भी पीछे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि इन लोगों ने आपकी खाल खींच के जेबें भरी अडानी और अंबानी की। आप ये देखो कि नोटबंदी के नाम पे आपको कंगाल कर दिया, पैसा बैंकों में गया, बैंकों से पैसा किसकी जेब में गया, उसी अडानी और अंबानी की जेब में चला गया। जीएसटी के नाम पे आपकी खाल खींच रही व्यापारी को तबाह कर दिया, सबको बेकार कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके आज हालत ये है कि अडानी जो 100वें नंबर पर भी नहीं था, वो आज पूरे एशिया में दूसरे नंबर पे आ गया है। 1000 करोड़ रुपए रोज की आमदनी है। मुझे बताओ आपकी आमदनी दुगनी हुई कि आधी हुई? आधी हुई ना, पिछले 5-7 साल में आधी रह गई आमदनी। लेकिन अडानी की दसगुना भी है। हमारी जो लड़ाई है ये देश को एक बार फिर आजाद कराने की लड़ाई है। साफ साफ छपा है, उनके घर वालों ने साफ साफ कहा कि परेशान था किसान, इन्हें खाद नहीं मिला, इन्होंने आत्महत्या की। कौन जिम्मेदार है? जब कोई अच्छा काम आप लोग करते हो तो उसका श्रेय नेता लेना चाहते हैं। योगी जी से जब पूछा जाता है कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, तो कहते हैं हमने तो रिकॉर्ड खरीदारी होगी, रिकॉर्ड पैदावार की है गन्ने की। गन्ने की पैदावार योगी जी ने ना करी, ये तो कैसे कैसे हुआ, जंगली जानवर विधायकों का यही हाल हो गया, लेकिन बिजार जैसे घूम रहे हैं, खाली कोई काम नहीं। नहीं है उसका श्रेय ये लोग लेते हैं, लेकिन जब किसान आत्महत्या करता है तो कोई आगे आके नहीं कहता कि हां हमारी जिम्मेदारी। और इतना बड़ा फर्क देखो, पुराने लोग जो बैठे हैं टोपी और पगड़ी पहनने वाले, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, आपको चौधरी चरण सिंह जी ने जो भाषण दिया था लाल किले, अभी भी याद होगा, मिठाई बांटी होंगी आपने, खूब खुशी मनाई होगी। क्यों? आपको मालूम था कि गांव के परिप्रेक्ष्य से इस गांव की बात, भाषा, बोली, पीड़ाओं को समझने वाला व्यक्ति उस बड़े पद पे पहुंचा। और जो हमारे यहां मान्यता है पगड़ी से जुड़ी हुई, मान सम्मान की, तो मुझे इस बात का पूरा एहसास है और ये बातें जीवन भर मेरे लिए स्मरणीय रहेंगी। ये मेरे लिए भी कठिन पल है, बीते दिन आपके लिए भी कठिन बीते होंगे। और आज भर खेती कैसे बढ़ेगी, कैसे बेहतर उपज वो पैदा कर सकता है, उसे वहां लड़ना पड़ता है, सरकार से लड़ना पड़ता है, अधिकारी तंग करते हैं,
दूसरी ताकतें आ जाती हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। बहुत अच्छी फसल करने के बाद भी चैन की नींद कोई किसान सो नहीं सकता, क्योंकि जब मंडी में वो जाएगा वहां भी जो है उसके साथ दुराचार होता है। कभी कभी प्रकृति की मार पड़ जाती है, जैसा अभी कुछ दिन पहले जो बारिश हुई। मैं जानता हूं 30-50% इन क्षेत्रों में आपका धान खराब हुआ, बाजरे को नुकसान, लाया को नुकसान हुआ, आलू की बुआई चल रही थी जहां बुआई हो गई थी वहां भी उनको नुकसान हुआ। और अफसोस इस बात को लेकर होता है कि इस सब के बाद भी इन दिनों में आप ही से मैं सवाल पूछूंगा, क्या कोई सरकार की तरफ से कोई कर्मचारी कोई बीमा कमा दे दिया? कोई नहीं। और इस बीमा के माध्यम से आय दुगनी होगी? कोई आया क्या सर्वेक्षण करने? कौन जिम्मेदार? बुंदेलखंड के बेहद गरीब परिवार के साथ जो बीती है, ललितपुर जिले के जो 3 दिन में खाद के लिए खड़े रहे, तबीयत बिगड़ गई, ध्यान हो गया। किसानों को लेकर अगली सरकार बिल्कुल भी कोई भी कंजूसी नहीं बरतेगी। सरकार के खजाने पे किसान और मजदूर का पूरा हक होगा। सरकार की नज़र हर खेत पर, हर किसान पर रहेगी। बीजेपी 125 करोड़ अपने वो मेंबर जो है वो बना रही है लखनऊ में तमाम बड़ा कार्यक्रम है, दूसरी तरीके से जातीय सम्मेलन कर रही है वो पार्टी जो कहती थी हमारे आगे कोई जात पात नहीं, सबका साथ सबका विश्वास, ये नारा देने वाली पार्टी आज जातिगत आधार पे संगठन भी बना रही है और आयोजन भी कर रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयंत चौधरी थे, जिन्होंने 2022 के चुनाव को लेकर देखिए अभी हम फैसला लेंगे, हमारी बातचीत चल रही है। छोटी बातें होती हैं कि कैसे सॉर्ट आउट हो, कैंपेन कैसे हो, इन बातों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। वही कह रहा हूँ, अभी तक हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हमारे रिश्ते दोनों नेताओं के बीच में और पार्टियों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत अच्छे हैं, मधुर हैं। मैनिफेस्टो जारी करने का 31 तारीख सरदार पटेल जी की जयंती के शुभ अवसर पर लखनऊ प्रदेश की राजनीति राजधानी से हम अपना मैनिफेस्टो लोक संकल्प 2022 को जारी कर रहे हैं। आपकी पार्टी आरएलडी किस पार्टी से गठबंधन करने का? अभी सारी बात हो गई, रामायण हो गई, उत्तर प्रदेश में चल रहे थे। Let's go!